हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृत स्वागत करता हूं आपका NX12 ट्यूटोरियल में। दोस्तों, स्केचिंग की हमारी ये थर्ड क्लास है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग के लिए उतना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि ये डिजाइनिंग थोड़ा सा टिपिकल पार्ट माना जाता है इंडस्ट्री का, ठीक है। इसमें हम प्रैक्टिस हमें इसकी बहुत ज़रूरत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्लास है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। न्यू पर क्लिक करके ओके कर देते हैं, ठीक है। स्केच ले लिया हमने, ये प्लेन सेलेक्ट कर लिया एक्स वाई। अब हम आगे के ऑप्शंस देखेंगे, जो जो हमने ऑप्शंस बाकी छोड़ रखा था ये आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये पॉलीगॉन हमने देख लिया था, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं इलिप्स, ठीक है। इलिप्स से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम इलिप्स पर क्लिक करते हैं ना, देखिए ये पूछ रहा है स्पेसिफाई पॉइंट। मैंने ये सेंटर डिफाइन कर दिया। अब सेंटर डिफाइन करने के बाद देखिए, आप मेजर रेडियस इलिप्स को पहले आपको समझना पड़ेगा इलिप्स होता कैसा है, ठीक है। एंगल तो 360 डिग्री ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस होता क्या है। जैसे कि यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो भी लेंथ है, ठीक है, इसे या तो मेजर डायमीटर कहेंगे या मेजर रेडियस कहेंगे। क्योंकि जो रेडियस अगर बड़ा होगा तो ऑब्वियसली डायमीटर भी बड़ा होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो भी हमारी धरती का जो रेवोल्यूशन पाथ है, वो अगर आप लोग देखेंगे जो सन का अराउंड रोटेट करती है, वो इलिप्टिकल पाथ है। तो उसी तरह सेम ये इलिप्स है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेजर रेडियस, और सिमिलरली देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक माइनर एक्सिस, सॉरी माइनर रेडियस, ठीक है। जहां रेडियस माइनर है, जहां दूरी कम है वो माइनर, जहां दूरी ज्यादा है वो मेजर। सिंपल यही है, ठीक है। ये हमारा एक्सिस, हमारा इलिप्स हो गया, ठीक है। इसमें चाहे तो हम लोग मेजर रेडियस माइनर रेडियस चेंज भी कर सकते हैं। माइनर रेडियस सपोज मैं चाहता हूँ 50, देखिए चेंज हो गया वो। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा चाहे आप लोग चेंज कर सकते हैं। इस पर लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, वो चेंज होगा। अदरवाइज आप लोग वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंगल 360 डिग्री है, अगर मैं चेंज करता हूँ 270 डिग्री, देखिए ये जो मेरा टोटली इलिप्स है वो 270 डिग्री के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को रोटेट कर लिया, देखिए, ठीक है। तो ये हमारा इलिप्स है, इसे हम ओके कर देते हैं। ये हमारा इलिप्स रेडी हो गया, ठीक है। ये जो ही हमारा प्लेन है ना, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इसने अपने आप को 270 डिग्री पे रोटेट कर लिया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन कोनिक पे। देखिए कोनिक क्या है, सबसे पहले देखिए पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, मैंने यहाँ एक स्टार्ट पॉइंट डिफाइन कर दिया। उसके बाद पूछ रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट, मैंने एंड पॉइंट भी डिफाइन कर दिया। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई कंट्रोल पॉइंट। कंट्रोल पॉइंट कहने का मतलब है कि कोई इन दोनों के बीच में, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कोई ऐसा पॉइंट जहां से मैं कंट्रोल कर सकूं। देखिए ये मेरा आर्क यहां बना है कॉनिक सेक्शन, लेकिन मेरा कंट्रोल पॉइंट यहां है। अब इसको मैं राइट लेफ्ट क्लिक करके चाहे जहां मर्जी ड्रैग कर सकता हूं। देखो, देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा कंट्रोल पॉइंट हुआ। मैं अप्लाई करके फिर से दिखाता हूँ। सपोज यहाँ देखते हैं, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने सेकंड पॉइंट, यानी स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ कंट्रोल पॉइंट। अब मेरा जो कॉनिक सेक्शन है ना, वो यहीं से कंट्रोल होगा। लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से प्रेस करेंगे तो वो कंट्रोल होगा यहाँ से, ठीक है। इसीलिए इसे कंट्रोल्ड पॉइंट बोला गया है। वो यहाँ से भी चेंज होगा, नो इश्यू, कोई इश्यू नहीं है इसमें। लेकिन ये देखिए, अगर मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ ना, तो ये मेरा फिक्स पॉइंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, देखिए वो पॉइंट मेरा फिक्स है। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो मेरा ये पॉइंट फिक्स रहेगा, ये वाला पॉइंट फिक्स रहेगा, ये भले जहाँ मैं लेकर चला जाऊँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो देखिए दोनों जगह से मूवमेंट हो रही है। पॉइंट फिक्स है बट मूवमेंट दोनों जगह से हो रही है, ठीक है। ये दोनों एंड से कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। अच्छा लगा तो इसे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉनिक सेक्शन।
अब उसके बाद आते हैं मेजर ऑप्शन है ऑफसेट कर्व। ऑफसेट कर्व के लिए मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ये सब नहीं चाहिए मुझे, इसको रहने देते हैं। ऑफसेट कर्व के लिए मैं थोड़ा सा कुछ पैटर्न्स पहले स्केच पहले बना लेता हूँ। सपोज ये मैंने एक ये बनाया है, ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है। अब हम जाते हैं ऑफसेट ऑप्शन पे। ऑफसेट का मतलब यही है कि चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, जो भी हम वैल्यू एंटर करते हैं उतने डिस्टेंस पे सारी लाइनें अपने आप को कॉपी कर लेंगे, चाहे इनसाइड चाहे आउटसाइड। कैसे मैं दिखाता हूँ। ऑफसेट कर्व मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट कर्व का, मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए इसने ऑटोमेटिक ले लिया क्योंकि यहाँ देखिए कनेक्टेड कर्व ऑप्शन यूज है, ठीक है। सिंगल कर्व अगर यूज करेंगे तो सिंगल सिंगल सेलेक्ट होगा, तो पहले मैं कनेक्टेड ही रहने देते हैं। इसने ले लिया कनेक्टेड, सारे साइड्स को इसने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए जो यहाँ वैल्यू है 10 mm, मैं इसको 20 mm डालता हूँ, तो देखिए बाहर की तरफ 20 mm अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है सभी साइड से, ठीक है, इधर 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 सभी साइड से ये अपने आप को 20-20 एक्सटेंड कर रहा है। ये अभी बाहर की तरफ हो रहा है, अगर आप लोग चाहते हैं मुझे अंदर की तरफ चाहिए तो एक रिवर्स ऑप्शन में ऑप्शन है, यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ नहीं क्लिक करना है तो जैसे ही आप इस पर कर्सर ले जाएंगे ना, ये पिंक कलर का हो जाएगा, इस पर लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक कर दीजिए, वो आउटसाइड चला जाएगा। इनसाइड जाना है तो डबल क्लिक इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। इस तरह से आप लोग इनसाइड आउटसाइड जितना भी डिस्टेंस चाहिए वो वैल्यू यहाँ डालकर कर सकते हैं। ओके, अभी तो देखिए ये यूनिडायरेक्शनल है, ये या तो बाहर की तरफ जा रहा है या अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे बाहर भी चाहिए और अंदर भी चाहिए, एक साथ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एक ऑप्शन है सिमेट्रिक ऑफसेट का, देखिए जैसे ही मैं ऑन कर रहा हूँ यहाँ एक अंदर सेम डिस्टेंस पर 20 mm बाहर और 20 mm अंदर दोनों तरफ ये ऑफसेट कर्व हो जा रहा है, ठीक है, जैसे ही मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे जो मेरा सेंटर वाला है इससे एक एक कॉपी हुआ है बाहर, इसे कॉपी अंदर हुआ, मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे दो कॉपी चाहिए, मुझे तीन कॉपी चाहिए, ये देखिए इसने तीन कॉपी बाहर और तीन कॉपी अंदर कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, मैं इस कॉपी को थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि समझ में आप लोगों को, ठीक है। अभी एक कॉपी आउटसाइड और एक कॉपी इनसाइड है, सिमेट्रिक मैंने यूज करके बनाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ये मतलब इतना ही अगर चाहते हैं आप लोग तो अप्लाई कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं एक दूसरा भी दिखाता हूँ, एक ऑप्शन और है इसमें। सपोज मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया, चाहे आप रेक्टेंगल बनाए चाहे पैटर्न, चलिए मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है। ऑफसेट कर्व में इसको करते हैं हम लोग। ऑफसेट कर्व मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस कर्व को सेलेक्ट कर लिया, आप देखिए अंदर की तरफ आ गया बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा अंदर बाहर वाला रह जाए और सेंटर वाली जो लाइन है ना, जो मेरी मेन लाइन है, मेन कर्व है, वो रेफरेंस कर्व में कन्वर्ट हो जाए। रेफरेंस कर्व यानी डॉटेड लाइन होती है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाए वो, ठीक है। तो वहाँ एक ये ऑप्शन है, देखिए सेटिंग में कन्वर्ट इनपुट कर्व टू रेफरेंस। इनपुट कर्व यानी जो मेरा मेन कर्व है जिसके रेस्पेक्ट में ये लाइन्स बाहर और अंदर हो रही हैं, वो रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये सेंटर वाली लाइन। और इसको अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो देखिए ये डॉटेड लाइन्स में कन्वर्ट हो गया ना, अब ये सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो गया मेरा ये, ठीक है। और मैं ओके कर दूंगा। सिमिलरली आप लोग इसे भी चाहेंगे अगर सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना तो देखिए मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ ये सेंटर वाली लाइन मेरी सेंटर वाली लाइन सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो जाए, मेन जो मेरा कर्व है, देखिए कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ऑफसेट कर्व का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, ठीक है। तो मैं डिलीट कर देता हूँ इन सबको। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या ऑप्शन है हमारे पास, पैटर्न कर्व का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, मॉडलिंग में बहुत यूज होता है इसका, ठीक है। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट, ये सब हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आता हूँ अपने पैटर्न कर्व पे। पैटर्न का मतलब यह है कि ये एक चीज को
कई सारे पैटर्न में कन्वर्ट कर देगा। कैसे मैं दिखाता हूँ। पहले ऑप्शन आया सेलेक्ट कर्व, मैं सेलेक्ट कर्व करता हूँ, मैंने ये तीनों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आता है लीनियर। लीनियर मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो, किसी एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, लीनियर। तो मैं पहले लीनियर सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे पूछ रहा है सेलेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट। अब मुझे डिफाइन करना है कि मतलब कोई एक मुझे रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा कि किस किधर मैं पैटर्न करना चाहता हूँ। कोई एक एक्सिस सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं वाई एक्सिस सेलेक्ट करता हूँ ना, तो देखिए कहाँ पैटर्न हो गया, ये वहीं पैटर्न हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ मैंने स्पेसिंग में काउंट एंड पिच डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अगर मैं काउंट को पहले 1 कर देता हूँ, 2 ही रहने देते हैं, और डिस्टेंस थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, 100 mm कर देता हूँ, और कर देता 1000 mm कर देते हैं, 1000 थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा नज़दीक रहेगा तो देखने में सुविधा रहेगा। अब देखिए, जैसे ही मैंने कर्व सेलेक्ट किया, कर्व सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, यानी मैंने एक एक्सिस डिफाइन कर दिया कि इस एक्सिस में मुझे पैटर्न करना है, ठीक है। तो उसने उस एक्सिस में 450 mm डिस्टेंस पे उसने उस चीज़ को पैटर्न कर दिया, हूबहू उस चीज़ को कॉपी कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता नहीं, मुझे बहुत सारा चाहिए, दो से ज़्यादा चाहिए, मैं चाहता हूँ 5 चाहिए। तो देखिए सेम इक्वल डिस्टेंस पे इसने 5 कॉपी कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये 450 450 450 450 इक्वल डिस्टेंस पे इसने 5 पैटर्न क्रिएट कर दिए, ठीक है, वाई एक्सिस में। सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ पहले, ठीक है। सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि मुझे एक्स एक्सिस में भी चाहिए, तो सिंपली पहले इस कर्व को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आते हैं सेलेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, और मैं एक्स एक्सिस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए इसने भी सेम वो डिफाइन कर दिया 450 450 डिस्टेंस पे, टोटल 5 मेरे पैटर्न बन गए। देखिए यहाँ बन रहे हैं 4 ही, लेकिन यह वैल्यू 5 है, क्यों, क्योंकि वो इसको भी कंसीडर कर रहा है। अगर लीनियर में काउंट करेंगे तो भी ये 5 है, वर्टिकल में काउंट करेंगे तो भी ये 5 है, तो इसको ये कंसीडर कर रहा है, इसलिए यहाँ वैल्यू 5 है, ठीक है। इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पैटर्न बना सकते हैं, ओके। अब मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, और इसके बाद एक आप लोगों को अच्छा चीज़ दिखाता हूँ मैं, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। देखिए मैंने मेन पैटर्न को डिलीट कर दिया, तो ये सारे डिलीट हो गए, ये सारे डिलीट कर देते हैं, नहीं चाहिए मुझे। मैं फिर से एक स्केच ले लेता हूँ, और एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पैटर्न का, सर्कुलर के केस में। सपोज़ मैंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है, सर्कल बनाया है, और इसके सेंटर से एक लाइन यहाँ सर्कल से एक लाइन यहाँ, ठीक है, मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया एक, और यहाँ पे मैं एक जस्ट एक स्केच बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पैटर्न समझा सकूँ। 980 नहीं, 900 इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है। और मैं थोड़ी सी ट्रिमिंग कर लेता हूँ इसमें, एक हम कुछ अच्छा चीज़ बना लेते हैं इसको और इसको, ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न मेरा काम आएगा, क्यों, मैं चाहता हूँ जो मेरा ये आर्क है ना, इक्वल डिस्टेंस पे पूरे साइड फैल जाए, पूरे इस सर्कल के, जो सर्कल है मेरा मेन सर्कल, इसके चारों साइड्स पे फैल जाए 360 डिग्री में, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए हमें पैटर्न पर जाना पड़ेगा। पैटर्न में पहले हमें कर्व सेलेक्ट करना है, मेरा मेन कर्व तो यही है, नहीं सॉरी, मेन कर्व तो मेरा ये है ना, यहाँ सबसे पहले यहाँ इस ऑप्शन पर आकर सिंगल कर्व सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ताकि एक ही सेलेक्ट हो। अब मैंने अपना कर्व सेलेक्ट कर लिया, मुझे किसको पैटर्न करना है, ठीक है। अब आते हैं सेलेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट पर। सेलेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट में हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें किसके अराउंड पैटर्न करना है। लेकिन देखिए यहाँ अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो ये वर्टिकल लाइन सेलेक्ट हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने लीनियर डिफाइन कर रखा है, मुझे तो सर्कुलर में करना है, तो यहाँ मैं सर्कुलर पहले सेलेक्ट कर लूंगा,
ठीक है। जैसे ही मैं सर्कुलर ऑप्शन पे आता हूँ, एक ऑप्शन आता है स्पेसिफाई पॉइंट। पॉइंट का मतलब ये है कि किस पॉइंट के अराउंड में इस पैटर्न को रोटेट करना चाहता हूँ, किस पॉइंट के अराउंड। तो मेरा जो सेंटर तो यही है, मैं इसी का अराउंड रोटेट करना चाहता हूँ ना। देखिए ये अपने आप को इसने काउंट 12 करके 10 पिच एंगल, 10 10 डिग्री के एंगल पे इसने अपने आप को रोटेट कर लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और वैल्यू चाहता हूँ, ठीक है। पहले मैं आता हूँ काउंट एंड स्पैन पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ मुझे 6 चाहिए, और अगर पूरे में आपको 360 डिग्री में चाहिए तो 60-60 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, नहीं सॉरी 360 डिग्री के एंगल पे। देखिए मुझे पूरे 360 डिग्री में टोटल 6 नंबर चाहिए, तो काउंट करिए यहाँ, काउंट एंड स्पेन में आकर मुझे 6 नंबर चाहिए, कितने, 360 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो इसने अपने आप को पूरे 360 डिग्री एंगल पे 6 नंबर्स में पैटर्न कर लिया इक्वली, ठीक है। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे पिच और स्पेन डिफाइन करना है। तो देखिए पिच 60 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री में है और 6 नंबर है, तो ऑब्वियसली 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ 70 डिग्री। देखिए इसने अपने आप को डिवाइड कर लिया 360 डिग्री में, टोटल 5 ही आ सकते हैं 70 डिग्री के अकॉर्डिंग, तो इसने अपने आप को डिफाइन कर लिया। मैं चाहता हूँ नहीं 80 डिग्री, देखिए 4 हो गया। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर ले रहा है कि 360 डिग्री अगर डिवाइडेड बाई 8 करते हैं तो मेरे कितने पैटर्न्स आएंगे, 4 ही आएंगे, ठीक है। तो उसने अपने आप को डिफाइन कर लिया, ठीक है। मैं 60 रहने देता हूँ, 6 नंबर। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आप लोग देखिए यहाँ से या फिर यहाँ से वैल्यू घटा बढ़ा सकते हैं एंगल, देखिए जैसे एंगल कम करते जा रहा हूँ एक एक पैटर्न कम होते जा रहा, ठीक है। ये मैंने एंगल कम कर दिया, पैटर्न कम होता जा रहा, जैसे एंगल बढ़ाते जाऊँगा पैटर्न बढ़ते जाएगा। 360 डिग्री में ये अपने आप को रोटेट कर लिया, इसने पैटर्न कर लिया, ठीक है, इसने अपने आप को पैटर्न कर लिया। तो इस तरह से आप लोग पैटर्न का यूज कर सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है। खासकर सर्कुलर केस में जब भी आपको ऐसे बनाना हो, मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और सिंपली आपको अगर बनाना हो तो यहाँ से ट्रिम कर दीजिए, ये आपका अच्छा पैटर्न बन जाएगा, ये एक अच्छा मॉडल बन गया। देखिए देख सकते हैं आप लोग, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, देखिए ये अब हमारा स्केच तैयार हो गया। तो कभी भी इस तरह का सर्कुलर पैटर्न करना हो तो सर्कुलर पैटर्न का आप लोग यूज कर सकते हैं, पैटर्न में जाकर सर्कुलर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जब भी हम स्केचिंग करते हैं या मॉडलिंग करते हैं तो उसमें खासकर ये जो पैटर्न ऑप्शन है ना, ये जो पैटर्न ऑप्शन है ये कर्व के लिए है, यानी स्केचिंग के लिए, 2D के लिए, 3D के लिए भी पैटर्न ऑप्शन उपलब्ध है, इसमें अवेलेबल है, वो भी हम देखेंगे जब 3D हम आएंगे। देखिए यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है पैटर्न फीचर का, तो वो 3D पैटर्न को, 3D फीचर को पैटर्न करता है, और ये वाला जो पैटर्न है ये 2D को पैटर्न करता है, ठीक है। ये हो गया, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, क्या है नेक्स्ट ऑप्शन, है मिरर कर्व का, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको मिरर करना हो ना तो हमेशा एक रेफरेंस लाइन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। रेफरेंस लाइन डिफाइन करना पड़ेगा, किस लाइन के रेफरेंस में मैं मिरर करना चाहता हूँ। मैं सपोज यहाँ सिंपली एक यहाँ एक लाइन बना लेता हूँ, ठीक है, और एक लाइन यहाँ बना लेता हूँ। अब हम लोग आते हैं अपने मिरर ऑप्शन पे। सबसे पहले बोला सेलेक्ट कर्व, मैंने पूरे कर्व को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब पूछा सेलेक्ट सेंटर लाइन, मैंने जो बोला था ना, जो रेफरेंस लाइन या सेंटर लाइन जो भी कह सकते हैं इसे, अब मैं चाहता हूँ इस सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर हो। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए इसने मिरर कर दिया, ठीक है। अप्लाई, मैं अगेन कर्व सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ इस सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर हो, देखिए इसने मिरर कर दिया। तो हमेशा एक सेंट्रल, और देखिए ये मिरर करते ही ये सेंट्रल लाइन में कन्वर्ट भी हो गया है, ठीक है। पहले कन्वर्ट नहीं था लेकिन अब कन्वर्ट हो गया सेंट्रल लाइन में। तो मिरर करने के लिए सिंपल यही है कि आपको एक रेफरेंस लाइन या सेंट्रल लाइन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, वो उसी के रेस्पेक्ट में वो मिरर होगा, ठीक है, अदरवाइज वो मिरर नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये हमने मिरर देख लिया। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, क्या है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट, उसके बाद क्या है इंटरसेक्शन कर्व, उसके बाद है प्रोजेक्ट कर्व, उसके बाद है
डिराइव लाइन, देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं इसे पूरा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने प्लेन ले लिया, सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ऐसे ले लेता हूँ, एक लाइन ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने लाइन डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके बिल्कुल बीचों बीच एक डिराइव लाइन मेरी जनरेट हो, जो इन दोनों के बीचों बीच क्रॉस सेक्शन लाइन हो, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली डिराइव लाइन पर आना है, पहला लाइन और ये दूसरी लाइन, देखिए इन दोनों के इक्वल डिस्टेंस पर, यानी दोनों के बीचों बीच इसने एक लाइन डिराइव कर दिया। कहीं भी आप लोगों को इंटरसेक्शन लाइन चाहिए या सेंटर लाइन चाहिए, वहां से आप लोग इस डिराइव लाइन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये प्रोजेक्ट कर्व, ये एक्चुअली अभी नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट कर्व हम लोग तब करेंगे ना जब हमें कुछ प्रोजेक्शन के लिए पहले से कुछ 3D ऑब्जेक्ट मौजूद हो। 2D में हम प्रोजेक्ट, जैसे मान लीजिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, मैं देखिए यहाँ पूछ रहा है सेलेक्ट कर्व और पॉइंट, अब मैं किसी लाइन पर ड्रैग कर रहा हूँ वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम कभी भी प्रोजेक्ट करते हैं किसी चीज़ को तो 3D ऑब्जेक्ट का जो कॉर्नर है, 3D ऑब्जेक्ट सपोज कोई एक 3D होल है, उस होल के और टॉप सरफेस को, टॉप रेडियस को, टॉप डायमीटर को मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, तब मैं इस ऑप्शन का यूज़ कर पाऊँगा। अदरवाइज ये तो यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने का। इसको 3D में देखेंगे हम लोग, जब कोई पार्ट एक्सट्रूड करेंगे तब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ सिर्फ हम 2D पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटरसेक्शन कर्व। देखिए ये क्या है ना, ये जो तीनों ऑप्शन है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन कर्व और प्रोजेक्ट कर्व, ये तीनों जब हम किसी पार्ट को एक्सट्रूड करेंगे उसमें, उसको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे ना, तब ये तीनों काम आएंगे, स्केच में काम नहीं आएंगे। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये पूछा सेलेक्ट कर्व, अब मैं देखिए सेलेक्ट कर्व इस पर ड्रैग कर रहा हूँ, कहीं ये सिलेक्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके लिए हमें कोई 3D ऑब्जेक्ट चाहिए, तभी वो कर्व को सिलेक्ट करेगा। सिंपली अगर इस पर मैं जाता हूँ इंटरसेक्शन कर्व पे, तो अब ये फेस पूछ रहा है मुझसे, सिलेक्ट फेस। अब आप लोग बताइए 2D में तो कोई फेस है ही नहीं, फेस तो आपको 3D में मिलेगा ना, जब हम किसी पार्ट को एक्सट्रूड करेंगे उसे मतलब 3D में कन्वर्ट करेंगे तब हमें कोई फेस मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो 3D में काम करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो गया, अब इसमें कुछ नया नहीं बचा है। अगर मैं और देखूँ, इसमें आते हैं हम लोग, पैटर्न हो गया, ऐड एग्जिस्टिंग कर्व, तो कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये सब 3D में, जब हम 3D ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, उसमें काम आएगा ये सारा ऑप्शंस, ठीक है। और इसमें कुछ तो अब बचा नहीं है, ये सब मैंने ऑप्शन दिखा दिया था आप लोगों को, ठीक है। यहाँ अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। यानी हमारा जो स्केच वाला ऑप्शन है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें हमने स्केचिंग में सब कुछ देख लिया, कैसे ट्रिम करना है, कैसे लाइन एक्सटेंड करना है, कॉर्नर कैसे बनाना है, ठीक है, चैम्फर कैसे डालना है, ये हमने देख लिया, सर्कल, स्प्लिन। अच्छा, स्प्लिन में एक ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ, स्प्लिन एक थोड़ा सा इसमें एक दो ऑप्शन और है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। नहीं, स्प्लिन कहाँ है, स्प्लिन मिल जाए भाई, हाँ ये रहा स्टूडियो स्प्लिन, ठीक है। इसमें मैं एक अच्छा ऑप्शन है वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब सपोज मैं थ्रू पॉइंट्स जा रहा हूँ, तो थ्रू पॉइंट्स तो मैं जस्ट बनाते जाऊँगा, ये बनता जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको क्लोज करना, ठीक है। तो नॉर्मली आप ऐसे क्लोज नहीं कर पाएंगे, देखिए देखिए नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक ऑप्शन है यहाँ पे देखिए क्लोज का, जैसे ही मैं इस पर ऑन करूँगा ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडियो स्प्लिन में जब भी एंड पॉइंट को, स्टार्ट पॉइंट को क्लोज करना हो तो सिंपली इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए, ये अपने आप क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग डिग्री चेंज कर सकते हैं, जो भी डिग्री चाहते हैं, ठीक है। और मैं बस, मेरा मकसद ये था बताने का कि इसको कैसे क्लोज करेंगे, सिंपली क्लोज्ड ऑप्शन को ऑन कर दीजिए, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एक नेक्स्ट ऑप्शन पे। देखिए पहले मैंने थ्रू पॉइंट्स दिखाया, अब मैं दिखाता हूँ बाई पोल्स,
ठीक है, बाई पोल्स क्या है? अब जैसे ही मैंने ऑन किया इसे, ये पूछ रहा है स्पेसिफाई पोल्स, सिंपली पोल्स में डिफाइन कर रहा हूँ। क्लोज को पहले ऑन कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ एक चीज़ देखने लायक है कि ये जो कर्व दिख रहा है, ये कर्व के बिल्कुल टेंजेंशियली लाइंस बनी है। ये कर्व के लाइन, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये हमेशा कर्व के टेंजेंशियल लाइन बनी है, टेंजेंट है ये। जहाँ मैं क्लिक करता जाऊँगा वो हमेशा कर्व के टेंजेंट रहेगी। देखिए दिख रहा है, ये हमेशा कर्व के टेंजेंट ये लाइन बन रही है। तो बाई पोल्स जाने का मतलब यही है कि एक टेंजेंशियल लाइन भी आपको मिल जाती है। अब मैं इनको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और अप्लाई कर देता हूँ। देखिए ये क्या हो रहा है, देखिए ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये टेंजेंशियल लाइन है। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है टेंजेंशियल लाइन है। तो बाई पोल्स यूज करने का मतलब यही है कि हम एक टेंजेंशियल लाइन बना सकते हैं। ठीक है, इसे मैं, हाँ ठीक है, तो बाई पोल्स ऑप्शन का आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और स्टूडियो में और कुछ नहीं है, बस इतना ही था। यही एक चीज़ बतानी थी कि कैसे हमें क्लोज करना है। ठीक है, हम चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं, हम चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये यही ऑप्शन मुझे बताना था। ठीक है, और एक चीज़ थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बट उसको हम आगे देखेंगे। मैं यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ, यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ, यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ। ठीक है, मैंने सिंपली एक लाइन बना लिया, एक मैंने छोटा सा कर्व बना लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इनको मेजर करना। तो ऑलरेडी देखिए यहाँ मेजरमेंट तो शो कर रहा है, देखिए मेजरमेंट शो कर रहा है, लेकिन मैं खुद से मेजर करना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ रैपिड डायमेंशन में आइए, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, वो मैं आगे सिखाऊंगा आप लोगों को, इतने सारे ऑप्शंस है। बट सिंपली आपको रैपिड डायमेंशन पर क्लिक करना है और ये कर्व को सिलेक्ट कर लेगा, पिक कर लेगा। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, कर्व पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो दिखा देगा डिस्टेंस। इधर देखिए ये डिस्टेंस इतना है। सपोज मैं चाहता हूँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो पॉइंट पर यहाँ और पॉइंट पर यहाँ, कौन सा डिस्टेंस देखना चाहते हैं आप लोग? एंगल वाला डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस या वर्टिकल डिस्टेंस, कौन सा? ये सब सब कुछ देख सकते हैं आप लोग। मैं चाहता हूँ इस एंगल डिस्टेंस देखना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ एंगल में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, इसे कर्ण कहते हैं या हाइपोटेन्यूज कहते हैं, वो देखना चाहता हूँ। या फिर मैं चाहता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो मैं चाहूँ तो हाइपोटेन्यूज देख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो वर्टिकल देख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो लीनियर देख सकता हूँ, कोई भी डायमेंशन मैं देख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप लोग स्केच का डायमेंशन खुद से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सपोज एक सर्कल बना लो छोटा सा, ठीक है, इसका मैं मेजर करना चाहता हूँ, तो सिंपल रैपिड डायमेंशन पे जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए और ये बता देगा कि ये डायमीटर 6540 है। ठीक है, इस तरह से ये बता देगा। तो रैपिड डायमेंशन यूज़ करने का बहुत बेनिफिट है, स्केच में आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शंस हैं, नेक्स्ट क्लास में आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में सारे ऑप्शंस एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तब डाउट्स निकलेंगे आप लोगों के, और धीरे धीरे जैसे जैसे डाउट्स क्लियर होता जाएगा, आप लोगों का प्रैक्टिस पूरा कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग कुछ रैपिड डायमेंशन हो गया, डेटम हो गया, डेटम सेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम देखेंगे कैसे कैसे डेटम सेट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे मॉडल्स आ जाते हैं जहां हमें तीन चार डेटम में काम करना पड़ता है, एक डेटम से काम नहीं बनता है। ठीक है, वहां हमें कई सारे डेटम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ऐसे करते करते हम लोग धीरे धीरे 3D की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एक्सट्रूड करना, रिवॉल्व करना, ये सब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे आगे। ठीक है, होल करना, ऑफसेट, ये सब सारे ऑप्शंस हम देखेंगे। और सिंपली जो भी आपने किया है यहाँ वो दिखता है पाथ नेविगेटर में, अगर चेक ऑफ कर देंगे तो सब कुछ ऑफ हो जाएगा, चेक ऑन कर देंगे तो आपका कर्व दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, जो भी मैं यहाँ करते जाऊँगा ना एक्टिविटी, वो यहाँ दिखेगी। मैं उस एक्टिविटी को चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, डबल क्लिक करूँगा तो देखिए मेरी एक्टिविटी चेंज होने के लिए ओपन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस कीजिए।
डाउट्स आएंगे, डाउट भी क्लियर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।